शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये दुनिया गजब की ये जैसी आजकल है ये ऐसी नहीं कभी। ये दुनिया जैसी भी है ऐसी ही थी ऐसी ही रहेगी। ये दुनिया गजब की आप सोचे जितना बस फर्क इतना, कभी ये थोड़ा ज्यादा कभी वो थोड़ा कम, कभी इसकी चली ठोस कभी उसकी धमाधम। खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत, तेरे मुंह पे ये तेरी सी कहेगी, मेरे मुंह पे ये मेरी सी कहेगी, ये ऐसा भी कहेगी ये वैसा भी कहेगी। ये दुनिया गजब की ये जैसी आजकल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की अजी ये डर के भागने वालों में से नहीं है, हमारे ही गांव का है, देखा आ गया ना वापस। अजी मुझे तो पहले से ही ये उम्मीद थी। ये वापस नहीं आए, ये इन्हें लेके आई हैं। नेहाल को एक बड़ी गलत फहमी है और सच बात क्या है मुझे भी नहीं मालूम। गलत फहमी? काहे की गलत फहमी भाई? सिर्फ नेहाल ही नहीं, ऑफिस के लोग भी यही सोच रहे हैं। क्या सोचते हैं? कि नेहाल को जमीन दिलवाने में आपको बड़ा इंटरेस्ट है। है? हमें इंटरेस्ट है? अरे भाई हम खुद गए थे ऑफिस उनसे मिलने के लिए, और किसी गरीब को जमीन मिल जाए उसमें हर्जी क्या है? अरे भाई देखो, हम राजा होते ना तो हम तुम्हें यूं जमीन दे देते, और हमने जमीन भी तो दी थी। क्या नाम था उसका बेटी? पापा अब दे चुके ना, अब भूल जाइए। सब लोग सोच रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट इसलिए है कि आप निहाल की जमीन पर 5-स्टार होटल बनाना चाहते हैं। खेतों में 5-स्टार होटल, ये तो पहले कभी नहीं सुना। सब लोग ये कह रहे हैं कि आप निहाल की जमीन ले लेंगे, उस पर अपना कब्जा जमा कर वहाँ 5-स्टार होटल बनाएंगे। ओ, देखा बेटी, इस निहाल की वजह से आज हम भी खबरों में हैं। हाँ गए थे भाई हम उन्हें ऑफिस में मिलने के लिए गए थे, लेकिन ये बीच में 5-स्टार होटल कहाँ से घुस गया? क्योंकि राजा साहब इसके दिमाग में घुसा हुआ है 5-स्टार होटल, और कल आपने इसको ऊपर से बोल दिया कि भाई तू बहुत अच्छा खाना बनाता है, तुझे कुक की नौकरी तो 5-स्टार में मिल ही जाएगी। और कल वो आप नक्शा भी तो देख रहे थे 5-स्टार होटल का, बस इसने 2 और 2 4 बना लिए, और ये सोच लिया कि मेरी जमीन पर बनेगा 5-स्टार होटल, और इसे कहा जाएगा कि भैया तू अब नौकरी कर कुक की। तब से सनका बैठा है, और ऊपर से वो जो दफ्तर वाले बातें कर रहे हैं सो अलग। ऑफिस वाले क्या बातें कर रहे हैं? जी वो यही कह रहे हैं कि एक गरीब की जमीन के लिए राजा साहब जैसा बड़ा आदमी क्यों दिलचस्पी दिखाएगा। समझ गया। चलो सब लोग उठो और गाड़ी में बैठो। कमान। गाड़ी में? मगर क्यों? सैर करने चलते हैं, शाम का वक्त है, हवा खाएंगे, और इस वक्त की हवा बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। चलो। चलो उतरो। आप यहाँ कहाँ ले आए हमें? मैं यहाँ नहीं उतरती। अरे बेटी ये हमारी जमीन है, उस पहाड़ी से लेकर यहाँ तक ये सारी हमारी जमीन है। यहाँ पर कुछ नहीं उगता, सिर्फ हरी हरी लंबी घास उगती है, और वो भी हम पैदा नहीं करते, अपने आप उग जाती है। भाई था हमारा एक नौकर था लक्ष्मी प्रसाद, जो इस जमीन की देखभाल किया करता था, इस पर खेती किया करता था, इस पर अनाज उगाया करता था, फल फूल उगाया करता था। लेकिन बस उसके मरने के बाद पिछले 8 सालों से इस जमीन की कोई देखभाल नहीं करता। एक कुआं भी है जो हमारे पिताजी ने खुदवाया था, वहां पर बहुत पानी देता है, बस कुएं पर पंप लगा दो और सिंचाई करो, ये सारी जमीन आपकी है। पर आप इतनी खाली जमीन का क्या कर रहे हैं? क्या करें बेटी, बस सालाना 1,000 रुपए का घास का ठेका दे रखा है, घास कटती है उगती है, कटती है उगती है। पर पापा ये गलत बात है, हमारी इतनी जमीन बेकार जा रही है। क्या करें बेटी, इस जमीन को बेचने का दिल नहीं कर रहा है, और इस जमीन पर सिंचाई करना और इस जमीन की देखभाल करना इतनी ताकत भी तो नहीं है हमारे पास, और सोचते हैं कि अगर इसे भी बेच देंगे तो हमारा तो जमीन के साथ नाता ही टूट जाएगा। क्या कुछ नहीं हो सकता इस जमीन पर, खेती हो सकती है, गाय भैंसे पाली जा सकती है, पोल्ट्री फार्म लगाया जा सकता है, फलों का बागीचा लगाया जा सकता है, लेकिन ये सब करेगा कौन? क्यों, देखा कितनी ढेर सारी जमीन है राजा साहब के पास, और तू अपना रोना रो रहा है कि राजा साहब की नजर तेरी जमीन पर है। हमें माफ कर दीजिए,
राजे साहब, राजे साहब हमें 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 माफ कर दीजिए राजे साहब। निहाल तुम्हें जमीन चाहिए ना, सींचोगे इसे, बोओगे, जो जी में आया वो बो। अरे हम तुम्हें ट्रैक्टर दे सकते हैं, कुएं पे पंप लगा सकते हैं। अरे भाई तुम्हारा दिल लगा हुआ है ना जमीन में, मेहनती हो, मेहनत करो, बोलो ये काम करोगे। अरे अगर यहाँ पर हरियाली छा गई तो हमारा दिल खुश हो जाएगा, हमारे पुरखों की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ कर दे निहाल, तुझे खेत जोतना है ना, जमीन चाहिए ना तुझे, ये रही जमीन कितनी फैली हुई है। अरे ऐसी जमीन तुझे मिलेगी कहाँ। राजा साहब हमें माफ कर दीजिए, हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे आपके बारे में, हमसे बहुत बड़ी भूल होगी राजा साहब, हमें हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दिया जाओ। ड्राइवर चलो। हाँ जी। लेकिन ऑफिस नहीं, ओएसडी मूलचंद के दफ्तर में। हाँ जी। याद है ना कल जहाँ गए थे। हाँ जी। विजय मोहन जी आई 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 है, नो फॉर्मेलिटीज। क्या है कि अपना जो ऑफिस है वो तो भगवान का घर है, इसका दरवाजा सबके लिए खुला है, बैठिए बैठिए। कहो सर, आपके पास टाइम तो है ना सर। लो अरे हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, टाइम के अलावा और है ही क्या। वो क्या है कि एक जरूरी मीटिंग है तो उधर जाना है, जल्दी जल्दी बोलो क्या बात है। सर वो क्या है कि एक केस में हमने 21,000 रुपए का इनाम दिया है, लेकिन वो बंदा चाहता है कि इनाम की रकम की जगह उसे जमीन दे दी जाए, तो क्या हम इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। किस बिना पर। सरकार यूं भी तो भूमिहीनों को जमीन देती है सर। वो बात अलग है, आप उस बात को इस बात से मत मिलाइए, आप तो उसे अपने इनाम का चेक दे दीजिए और छुट्टी कीजिए, क्योंकि ये नियम कानून और गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते है ना। सर मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन सोचा कि आपसे ओपिनियन ले लूं। कौन है यानी केस क्या है भाई। क्या है कि आप लोग प्रॉब्लम वाले केसेस बड़े ले आते हैं। सर वो एक निहाल निहाल करके गांव का आदमी है। निहाल निहाल याद आ रहा है, लोकपुर का तो नहीं। हाँ वो गोल गबरू चेहरा मोटा सा, आप जानते हैं उसे सर, आप साथ लाए उसे। नहीं सर। अरे भाई वो तो कमाल का आदमी है, गजब कर दिया उसने। आपको पता है जिस घटना के लिए उसे इनाम मिल रहा है उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, आई वॉज कमिश्नर देयर, 100 आदमियों की जान बचाई है उसने। क्या नाम है उसका, निहाल निहाल। भाई मेरा तो आंखों देखा किस्सा है। अच्छा क्या हुआ था सर। तुम उसे इनाम देने जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि इनाम काहे के लिए दे रहा हूँ। वो सर डिटेल फाइल जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है सर। अरे भाई उस दिन तो गजब हो जाता, मिनिस्टर साहब, डीसीपी साहब, मेरी तक जान चली जाती। और भी कुछ लोग मरते लेकिन क्या नाम है उसका, निहाल। भाई निहाल ने कमाल कर दिया, हम सबकी जान बचा ली। सर मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ रही है, मैं तो निहाल को एक साधारण आम आदमी समझता था सर। क्या हुआ कि मंत्री महोदय के स्वागत के लिए एक बड़ा सा मंच लगाया गया था, मंच बड़ा कमजोर था और गांव वालों का उत्साह तो आप जानते हैं, वो तो 100-100 की तादाद में फूल की मालाएं लेके जय जयकार करते हुए मंच पर चढ़ गए। अब उसमें हुआ क्या कि एक मंच की जो बल्ली थी ना वो किराए हो गई और ये अपना क्या नाम है उसका निहाल 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 वो वहीं पर खड़ा था, उसने फौरन उस बल्ली को अपना कंधा दे दिया। भाई अब मंच तो गिरने से बच गया लेकिन वजन के मारे बेचारा चिल्लाने लगा चीखने लगा, लेकिन माइक का शोरगुल हाहाकार में उसकी आवाज ही दब गई। भाई वो तो मर ही जाता लेकिन मैंने देखा, फिर शोरगुल हुआ, मंच खाली कराया गया, उसे बाहर निकाला गया, वो तो बिल्कुल बेचारा बेहोश हो चुका था। He was totally nonsense. Nonsense. हाँ, he had no sense at all. बिल्कुल senseless, you know, बेहोश बोलते ना हिंदी में। तो मंत्री महोदय जी ने मुझसे कहा कि मूलचंद जी इस आदमी की होशियारी, सूझबूझ और जान पर लड़ जाने की तैयारी वगैरह वगैरह को देखते हुए इन्हें इनाम दीजिए। मगर सर वो तो इनाम के बदले जमीन मांग रहा है। तो दे दीजिए ना, दे दीजिए, जमीन कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन सर नियम और कानून आड़े तो नहीं आएंगे। विजय मोहन जी आपको नौकरी करते हुए कितने साल हुए जी। क्या है कि नियम और कानून आदमी को देखकर ही बनाए जाते हैं और आदमी को ही देखकर बदले जाते हैं। आप एक काम कीजिए, वो फाइल आप मुझे दे दीजिए, आई विल सेक्शन इट, समझे। मी मूलचंद, नो लेस, एनीथिंग मोर। नो सर। बस तो मेरी मीटिंग का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। मगर आप वो क्या कहते हैं उसे, निहाल, निहाल से कहना कि यहाँ आकर मिले। यस सर। क्या है कि उसे कहना कि पर्सनली आकर मुझसे मिले, समझ गए ना सर। अरे वो निहाल जी आए हैं अभी तक तो नहीं है सर। नमस्ते सर। बिजबिहारी वो मिस्टर निहाल आए हैं।
सर वो अभी तक तो आए नहीं है, वो अक्सर 12 बजे के बाद ही आते हैं। अच्छा अच्छा, आए तो मेरे पास भेज देना। मॉर्निंग सर। सुनो, वो निहाल जी आए तो मेरे पास भेज देना। क्या बात है? क्या बात है पता नहीं है। छोटे साहब खुद निहाल से मिलने को कह रहे हैं। निहाल नहीं, निहाल जी। माय गॉड, लगता है उसका काम हो गया, आज मिठाई खाएंगे उससे। अरे वो बेचारा क्या मिठाई खिलाया गया, उसके पास है क्या? माय गॉड, बड़ा लकी है, वरना इतना जल्दी काम हो जाता। लेकिन काम हुआ कैसे? क्यों? अरे भी जमीन चाहिए, जमीन है कहाँ? अरे नहीं है, मतलब गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट कहाँ से देगी? कोई लेटर आना चाहिए ना कि हमने फला जमीन अलॉट की है, दे दी है। भाई ऐसा कोई लेटर आया नहीं है। जरूर आया होगा। कहाँ आएगा? है ना, कैसे आएगा? आया होता तो हमने देखा नहीं होता। सारी चिट्ठियाँ हम फॉरवर्ड करते हैं। विजय बोल साहब ने इसीलिए बुलाया हो। अरे देखा नहीं, छोटे साहब कितनी रिस्पेक्ट से कह रहे थे, निहाल जी, मिस्टर निहाल आए कि नहीं? निहाल का ऊंचा पाव है, बाय गॉड। अरे तभी तो छोटे साहब खुद उसकी फाइल लेकर सेक्रेटेरिएट गए थे। आज ही फाइनल हुआ होगा। जमीन तो मिलेगी, वो जमीन जरूर लेके रहेगा। ओके, मैं पता करता हूँ। मैं चलू किससे जमीन सर आओ। आज मीटिंग हो रही ना? हाँ सर। लेकिन क्या है, अभी तक बड़े साहब नहीं आए सर। अभी तक नहीं आए ना? जी नहीं। मिस्टर देव की शरण में यही बुरी आदत है, घर से कार से निकलेंगे लेकिन जब तक दो बड़े आदमियों के बंगले के चक्कर नहीं काट लेते ऑफिस नहीं आएंगे। आप तो किसी के बंगले पे जाते नहीं। मैं क्यों जाऊं? मैं अपने काम से काम रखता हूं, अपन इन चक्करों में नहीं पड़ते। अरे गवर्नमेंट मुझे देखेगी, मेरा काम देखेगी। वो सच है सर। अच्छा बोलो क्या बात है सर? वो निहाल की जमीन का क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, मगर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भले हमें इसके लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़े। सर लगता है उसकी अप्रोच ऊपर तक है। फिर ये तो नहीं कहूंगा मैं कि उसकी अप्रोच कहां तक है, लेकिन जिस मामले में उसे इनाम दिया जा रहा है, मिस्टर मूलचंद ओएसडी उस घटना के चश्मदीद गवाह है। अच्छा, मूलचंद? अरे ही वाज कमिश्नर देयर, और उन्होंने मुझे जो किस्सा सुनाया, माय गॉड, मैं तो सुनकर दंग रह गया। अरे इस निहाल ने एक दिन कोई 100 लोगों की जान बचाई है। अच्छा, बाय गॉड सर, लगता है वो तो ग्रेट इंसान है। क्या बात है सर, उसको हम कौन सी जमीन देंगे? कोई भी, फॉरेस्ट की, पंचायत की, कृषि की, कोई भी। वो बात मैं खुद करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। सुनो जी सर, छोटे बाबू से कहो मीटिंग के लिए। जी अच्छा सर। गुड मॉर्निंग सर। निहाल सिंह? हाँ साहब। छोटे साहब से कह दो कि बड़े साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया है। जी हम चलते हैं सर। साहब बड़े साहब आ गए। आ गए, चलो अच्छा हुआ। मीटिंग के लिए कह रहे हैं सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आई एम रेडी। चलो आइए। साहब जी नमस्ते। अरे अरे नमस्ते। और सब ठीक ठाक है ना? आपकी कृपा है। हेलो मिस्टर निहाल, कैसे हैं आप? दुआ है आप मुझसे मिलके जाना, बिना मिले मत जाना। जी अभी एक मीटिंग में जा रहा हूँ, उसके बाद ओके सी यू। ओके। चलता है सर, ऐसे कोई खास देर तो नहीं हुई। तुम जब ऐसा कहते हो तो मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। और सर आजकल ट्रैफिक भी तो बहुत बढ़ गया है। वाकई वाकई, तो मीटिंग शुरू की जाए। राम बाबू आइए। आओ भाई। आइए सर, आइए आइए आइए, प्लीज बैठिए। तो विजय मैं काम शुरू किया जाए। जी हाँ, ऐसा है सर कि गर्मी बहुत बढ़ गई और मटके नहीं है। मटके क्यों चाहिए? मटके सब स्टाफ का जरूरत पड़ती है, पत्रकार आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनको पीने के लिए पानी तो चाहिए। सब नोट पुट अप किया? हाँ सर, ये विजय मोहन तुम क्या सोचते हो क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है सर, आपने जो वाटर कूलर के लिए प्रपोजल भेजा था वो तो ऑल ऑफ ए सडन रिजेक्ट हो गया। खर्चा कम करने के ऑर्डर से भैया, अब वो लोग भी क्या करें। जी हाँ सर। क्या हो सकता है? आई वॉन्ट योर आइडिया। मेरे ख्याल से सर मटके खरीद लिए जाएं।
और तो कोई चारा है नहीं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मटके ही लिए थे सर। वो मटके इस साल काम नहीं आ सकते? नहीं सर, बहुत कुछ टूट फूट गए हैं सब। कुल कितने मटकों की जरूरत है हमारे ऑफिस में? पिछले साल 40 लिए थे सर, इस साल 50। दर ज्यादा क्यों? सर स्टाफ बढ़ गया है ना, तो जरूरत भी तो बढ़ गई है। गर्मी बढ़ गई है। अभी हमारे स्टॉक में कितने मटके हैं? 8। मटकों के लिए कितना रुपया सेंक्शन होता है? बजट प्रोविजन क्या है? कोई प्रोविजन तो नहीं है सर। नहीं सर, वो क्या है कि मिसलेनियस आइटम्स में यानी ऑफिस एक्सपेंसेस में खरीदे जाते हैं ना ये सब। पेरिशेबल आइटम है सर, टूट फूट जाते हैं, कुछ लीक हो जाते हैं। भाई इसीलिए तो मैंने 2 कूलर के लिए कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? सर ऐसा करें, जब तक हमें वाटर कूलर नहीं मिलते, अर्धन कूलर से काम चला। अर्धन कूलर? मटका। मटका? ओह मटका। बड़े विटी हो यार विजय मोहन। तो चलो फिर सेंक्शन किए लेता हूँ। जी हाँ भाई, कुछ चाय वाय कैसी मीटिंग चल रही है? मटके सेंक्शन हो गए। मटका सेंक्शन हो गया। हो गया, बस हमने करवा। मुबारक। अपना पैसा यार जी, जल्दी अंदर चाहिए, मीटिंग चल रही है, जल्दी करो। विजय मोहन बाबू से बात हो गई है, तुम्हारा काम हो जाएगा। साहब आपकी बहुत बहुत कृपा। मैं तो अड़ गया, मैंने कहा साहब जो कुछ भी हो निहाल का काम होना चाहिए। साहब कृपा आपकी कृपा। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि जमीन का काम हमारा। अरे वो काम तो तुम्हारा हो ही गया, तुम तो मिठाई खिलाने का बंदोबस्त करो, तुम्हारा काम मैंने करवाया। नहीं मैंने करवाया है, विजय मोहन साहब से पहले मैंने बात की थी, मैं पहले अड़ गया था। मैं अड़ गया था। हम दोनों ही अड़ गए। साहब आप दोनों की बहुत बहुत मेहरबानी। निहाल जी, बहन जी जरा यहाँ ना। जी बहन जी, अगर किसी को बताओगे नहीं तो एक अंदर की बात बताती हूँ। जी तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने छोटे साहब से बात की, मैंने कहा देखिए कुछ भी हो निहाल का जमीन का काम जरूर हो जाना चाहिए, और उन्होंने कहा हो जाएगा। आप भी अड़ गई होंगी सबसे पहले। विजय मोहन क्या हाल है? ठीक है, चल रहा है। वो निहाल वाली जमीन का क्या हुआ? सर वो मैं आज होइजदी मिस्टर मूलचंद से मिला था, वैसे तो वो मीटिंग में बड़े बिजी थे, फिर भी उनके खान पे बात डाल आया हूं, देखे क्या बनता है। विजय मोहन ये सरकारी काम है, ऐसा ही होता है। हाँ भाई राम बाबू, बहुत काम निपटा लिया, काफी मामले निपटा लिए, थक गए यार। फिर चले सर। तुम गाड़ी निकलो जाओ, ऑफिस की गाड़ी यार। अरे भाई निहाल जी, हम कुंभार की दुकान पे जा रहे हैं मटका लेने, साथ चलोगे? तफरी हो जाएगी। जी हाँ जरूर, क्योंकि क्या है कि तुम गांव के आदमी हो ना, मटका मटकी की समझ तुम्हें ज्यादा है, बात भी करेंगे। चलो 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 चलो। और वहां पर तुमको ऐसी खबर सुनाएंगे कि तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। बाय गॉड, हमारी अर्जी मंजूर हो गई ना? तुम्हें कैसे पता चला? आप हमारे लिए अड़ गए थे ना। बाय गॉड, इस ऑफिस में लीकेज बहुत है। बाय गॉड, चलो तुम्हारे लिए कितनी कोशिश की पता है? बाय गॉड जान लगा दी। मैंने छोटे साहब को कहा कि आपको निहाल का काम तो करना ही पड़ेगा। साहब जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। चलो भैया चलो। उधर ये जी, ये वाला मटके वाला। आप लोग दोनों मटके लो, भैया पान खा गया था। हाँ, जी। राम राम भैया जी। हाँ राम राम मालिक, राम राम। अच्छा ये हमारे साहब बहादुर को 50 मटके चाहिए, 50 निकल आए आपकी दुकान में से? अरे 50 क्या बाबूजी, 100 ले लो ना, हम तो मटके बनाते ही है आपके पास। वसंती जल्दी जल्दी 50 मटके निकालो और गाड़ी में रख दो। अरे अरे ठहरो ठहरो बहन जी, ये इतनी जल्दबाजी का काम नहीं है। हम तो 2% की हांडी लेते ना तो वो भी ठोक बजा कर लेते हैं, और फिर ये मटके चाहिए बड़े साहब लोग के लिए। अगर एक भी खराब निकला ना तो नाक कटेगी हमारी, यही कहेंगे निहाल साहब ने गया था और मटके खराब निकले। बाबूजी आप छाट छाट के ले लो ना। भैया जी आपका नाम क्या है? भैरूलाल। भैरूलाल की बेटी, जो मटका तुम दे रही हो वो निहाल साहब को दिखाना,
निहाल साहब को जो पसंद आएगा उसे ही गाड़ी में रखवाना। ठीक है। और ठीक है। और ठीक है। लो बाबूजी, हो गए आपके 50 मटके पूरे। भाई भेरूलाल जी, हा? आपको 5 मटके और देने चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि ये 50 मटके हमारे बड़े साहब लोग ने मंगवाए हैं। अगर रास्ते में कोई टूट जाए या कोई मटका खराब निकले, देखिए आखिर मटकों का मामला ठहरा। कोई बात नहीं बाबूजी, 5 मटके और सही। चलो बेटी, 5 मटके और लेके आते। नियाज साहब, ये ऊपर के 5 मटके का आपका आइडिया बहुत अच्छा है। देखो साहब जी, ये तो धंधे का असूल है। अगर आप 1 लीटर दूध लो तो थोड़ा सा ऊपर तो मिलता ही है ना, फ्री में। ये लो बाबूजी, 5 मटके। अरे हो गया? रख दिए, रख दिए। तो पेमेंट कर दो भाई। वहाँ अब पेमेंट हो गया। चलो चलो, पेमेंट रख दो। बहुत बढ़िया मटके मिल गए साहब जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलो निहाल की साथी, तुम्हारे साथ होने से काम जल्दी हो गया भाई। गॉड दया सिंह जी साहब, मटके उतारा और चोर से जमा करवा दो। साहब साहब, ऑफिसर्स की पूरी टीम हेड ऑफिस से आई है, एक एक चीज चेक कर रहे हैं। तो करने दो ना, उसमें डरने की क्या बात है भाई गॉड। 50, 51, 52, 53, 54, 55 कैसे हुआ? हमने तो सेंक्शन 50 का मांगा था। पता नहीं ये 55 कैसे आ गया साहब, हमने तो 85 सेंक्शन किए थे। टेंडर देखो कितने का है। टेंडर 50 का है। तो इसका मतलब हुआ साफ साफ लापरवाही। जब इतने रुपए में 55 मटके आ सकते थे तो 50 का टेंडर क्यों भरा गया? इस पे कार्रवाई कीजिए और संबंधित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगिए। बेफिक्र रहिए साहब, अभी जाता हूँ उससे, वो लेता हूँ क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन। क्या जवाब दोगे इसका राम बाबू? मैंने तो बाय गॉड सर उस कुमार को 50 मटके बोले थे, लेकिन उस निहाल ने। निहाल? निहाल कौन है? इस दफ्तर का कोई नौकर है क्या है वो? राम बाबू, तुम्हारी ये गलती तुम्हारी सर्विस बुक में एंट्री की जाएगी लाल छाई से। जाइए, एक्सप्रेशन लिख के लाइए अपना। सॉरी सर। जाइए। तुम वही थे ना, क्या कर रहे थे वहां? उसने 50 की जगह पर 55 मटके कैसे दे दिए? मुझे क्या पता, अगर पता होता कि उसने 5 मटके ज्यादा रख दिए हैं तो एक मटका बड़े साहब के घर, एक मटका छोटे साहब के घर, एक मटका आपके घर, एक मटका ब्रिज बिहारी जी के घर और एक मटका मेरे घर रख लेता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नॉनसेंस। काय हो निहाल? निहाल जी, गेट आउट। तुम आज के बाद इस ऑफिस में कदम नहीं रखना। साहब जी, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? तुमने 5 मटके ज्यादा क्यों रखवाए गाड़ी में? साहब जी, ये तो दुकानदारी का उसूल है। अगर आप 1 किलो भाजी लेंगे तो धनिया तो फ्री में मिलता ही है। शट अप। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे अक्ल दिखा था। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आज कल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, तेरे मुँह पे ये तेरी सी कहेगी, मेरे मुँह पे ये मेरी सी कहेगी, ये ऐसा भी कहेगी, ये वैसा भी कहेगी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आज कल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की।